स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना, यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग इसी तरीके की पाठ्य योजना वीडियो देखना चाहते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, यानी कि बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए शाम को 7 बजे क्लासेस चलाई जा रही हैं, लाइव क्लासेस। उससे जुड़ के आप लोग अपना लाभ उठा सकते हैं। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर चलाई जाती हैं। एक दिन बीएड की क्लासेस, एक दिन बीटीसी की क्लासेस, जो भी आप कर रहे हैं उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे शाम के 7 बजे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और सारी चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा गया पाठ्य योजना 24। जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या होगा उसको इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, इसका मतलब आपको छात्राध्यापक हैं लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए इस तरीके से दिनांक लिखा गया है, दिनांक यानी कि डेट लिखिएगा। कक्षा यहाँ पे अगर बात की जाए तो 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लासेस के लिए पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो प्रकरण है वो है पूंजी। वर्ग अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जो भी वर्ग होगा। विषय अर्थशास्त्र का है। चक्र यहाँ पे आप जिस पीरियड में जाएंगे उसी के अनुसार, जैसे पहले पीरियड में गए तो पहला लिख लीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो दूसरा लिख लीजिए। चक्र को ही कालांश कहते हैं, चक्र और कालांश दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अवधि जो भी आपके कॉलेज वाले अवधि दें पढ़ाने के लिए, 40 मिनट 45 मिनट, वो लिखिएगा। और प्रकरण हमारा है आज का पूंजी। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के आगे कुछ नहीं लिखा गया। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के आगे आप लिख लीजिएगा पूर्ववत। पूर्ववत, पूर्ववत लिखने का मतलब यह है कि सामान्य उद्देश्य, इसके पहले आप अगर अर्थशास्त्र की कोई पाठ्य योजना बना चुके हैं उसमें आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है तो वो दोबारा इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। पूर्ववत लिखते ही आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य उद्देश्य का मतलब समझ लीजिए आप लोग। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय है, जैसे हमारा विषय क्या है आज का, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे पूर्ववत लिख देंगे तो आपको इतनी चीज़ें सारी बच जाएंगी। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, यानी कि चैप्टर होता है, जो आज जैसे हमारा आज का चैप्टर क्या है, पूंजी। तो पूंजी चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया छात्रों को पूंजी के विषय में प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा पॉइंट है छात्र पूंजी अर्जन के तरीके जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोधात्मक, छात्र पूंजी का विनियोग करना सीख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पूंजी का अर्थशास्त्र व राष्ट्रीय आय में महत्व बता सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक, छात्र पूंजी का अपने जीवन में व्यवसाय में निर्देश करना सीख सकेंगे। निवेश लिखा गया। अगला नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशेष उद्देश्य के बाद वाला हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है पूंजी के प्रकारों को दर्शाता हुआ एक चार्ट। आप चार्ट बना के ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना प्रकरण आपको पढ़ाने में आसानी होगी। सहायक सामग्री में आप चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सब चीज़ें तो लिखेंगे। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र पूंजी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लेसन प्लान का, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जाता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बना, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बना, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ये 2 कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। पहला प्रश्न है हमारे मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं, बच्चे बोलेंगे टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि। दूसरा प्रश्न है यह साधन हमें क्या प्रदान करते हैं, बच्चे बोलेंगे सुख सुविधा। तीसरा प्रश्न है वह लाभ जिसका प्रयोग हम सुख सुविधाओं के लिए करते हैं क्या कहलाते हैं, बच्चे बोलेंगे आय। चौथा प्रश्न है वह संपत्तियाँ जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है, तो हो सकता है कोई बच्चा उत्तर दे उन्हें क्या कहते हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा आंसर दे दे कि पूंजी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो आप समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब है आपको अपना बच्चों को टॉपिक बताना होता है। तो उद्देश्य कथन में देखिए बताया गया आज हम पूंजी के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप पूंजी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। एक तरफ लिखिए शिक्षणविंद, दूसरी तरफ लिखिए छात्राध्यापक कथन, तीसरी तरफ छात्र कथन। इसके बाद देखेंगे इसके सामने वाले कॉलम में इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, छात्र वाले के सामने
उसका देखिए यहाँ पे पहला प्रस्तुतिकरण में है विकासात्मक प्रश्न आय क्या है, बच्चे बोलेंगे वह लाभ जिसका प्रयोग हम अपनी सुख सुविधाओं के को प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न पूंजी क्या है, छात्र मौन हो जाएंगे। पूंजी का अर्थ पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है। स्पष्टीकरण, सामान्य बोलचाल की भाषा में पूंजी से अभिप्राय रुपये पैसे धन व बहुमूल्य धातुएं इत्यादि से किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार पूंजी वह संपत्ति है जो आय प्रदान करती है या आय प्रदान करने में सहयोग प्रदान करती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार भूमि के अतिरिक्त पूंजी व्यक्तिगत सामाजिक धन का वह भाग है जो अधिक धन से उत्पादन में सहायता करता है। अगला यहाँ पे सामान्य बोलचाल की भाषा में पूंजी क्या है, बच्चे बोलेंगे रुपये पैसे इत्यादि। दूसरा है अगला प्रश्न, प्रोफेसर चैपमैन की परिभाषा बताइए, बच्चे बोलेंगे पूंजी वह संपत्ति है जो आय प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। पांचवा अगला प्रश्न है, पूंजी अधिक धन से उत्पादन में सहायक है, यह किसका कथन है, बच्चे बोलेंगे प्रोफेसर थॉमस का। छठवां प्रश्न है, पूंजी के विभिन्न उदाहरण दें, बच्चे बोलेंगे भूमि टीवी मकान आदि। सातवां प्रश्न है, पूंजी की विशेषताएं बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे मौन हो जाएंगे। फिर इसके बाद पूंजी की विशेषता आप बताएंगे, स्पष्टीकरण देखिए लिखा गया है। पहला है पूंजी एक निष्क्रिय साधन है, दूसरा है पूंजी श्रम का परिणाम है, तीसरा है पूंजी बचत का परिणाम है, चौथा है पूंजी उत्पादकता का परिणाम है, अगला है पूंजी गतिशील होती है। छठा प्रश्न है पूंजी आय प्रदान करती है, सातवां है पूंजी नाशवान होती है, आठवां पूंजी अस्थायी होती है। प्रश्न है पूंजी किसका परिणाम है, बच्चे बोलेंगे श्रम का या व बचत का। अगला प्रश्न है पूंजी कैसे होती है, बच्चे बोलेंगे अस्थायी व नाशवान। दसवां प्रश्न है पूंजी कैसा साधन है, बच्चे बोलेंगे निष्क्रिय साधन है। ग्यारहवां प्रश्न है पूंजी का महत्व बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे छात्र मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है आपका यहाँ पे पूंजी का महत्व। पूंजी का महत्व निम्नलिखित है, पहला कृषि के क्षेत्र में, दूसरा प्राकृतिक साधनों का दोहन, तीसरा उत्पादन व्यवस्था का आधार, चौथा प्रश्न है औद्योगिक विकास का आधार और पाँचवा है नियोजन का आधार। प्रश्न है यहाँ पे अधिक धन से उत्पादन में सहायक तत्व कौन सा है, बच्चे बोलेंगे पूंजी। अब आपका आता है श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य का मतलब है आप जो अभी आपने पढ़ाया उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको सभी उसमें से सभी चीज़ों को तो श्यामपट पे लिखेंगे नहीं, सभी चीज़ें लिख देंगे तो पूरा श्यामपट भर जाएगा और बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि क्या आपको उनको इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें श्यामपट पे वही पॉइंट लिखना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देखिए लिखा गया, पहला पूंजी से अभिप्राय धन बहुमूल्य धातुओं से है, अगला है पूंजी आय प्रदान करती है, और अगला है यहाँ पे पूंजी धन से उत्पादन में सहायक होती है। निरीक्षण कार्य है, निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे आप, क्लास में घूम घूम कर जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे उस समय क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे बच्चों के पास जाके कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर उनको श्यामपट के कार्य को उतारने में या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उनके पास जाके उसको दूर कर दीजिए अगर किसी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर अगर कोई ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर बच्चों को आ रही है उस समस्या को आप श्यामपट पे दूर करेंगे, क्योंकि कम समय में समस्या को सभी बच्चों की समस्या को दूर करना करने का एक ही साधन है, श्यामपट पे आके सभी की समस्याओं का एक साथ यहाँ पे समाधान किया जाए। अगर एक एक बच्चे के पास जाके वही समस्या सेम समस्या दूर करेंगे तो एक ही समस्या सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है पूंजी की परिभाषा लिखें, दूसरा प्रश्न है पूंजी का क्या महत्व है, तीसरा प्रश्न है पूंजी किसे कहते हैं, और चौथा प्रश्न है भूमि व पूंजी में अंतर बताइए। लास्ट शेडिंग आता है आपका लेसन प्लान का, गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ का रिवीजन करें जो आपने क्लास में पढ़ाया है। होमवर्क करेंगे तो रिवीजन होगा तो आपका जो ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य था कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद ये चीज़ें उस बच्चे जान सकेंगे, उनके अंदर किस प्रकार का ज्ञान विकसित हो सकेगा, बच्चे जब आप घर जाके गृह कार्य करेंगे जब खुद से उस चीज़ को रिवीजन करेंगे तो वो अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया पूंजी की विशेषताएं याद करेंगे, तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। गृह कार्य लास्ट शेडिंग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसी तरीके से सभी विषयों की पाठ योजना वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे अपने अनुसार जिस प्लेलिस्ट में आप जैसे हिंदी का देखना है तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सामाजिक विज्ञान का देखना है सामाजिक विज्ञान के, गणित का देखना तो गणित वाले में, इंग्लिश का देखना तो इंग्लिश वाले में, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान देखना है सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर मिल जाएंगे लेसन प्लान। तो दोस्तों, और अगर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं बीटीसी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं सारे कंटेंट। और इस सब के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है, नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।